हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो अलासरम में स्विंग करने के बाद अभी आ चुके हैं हम लोग मंकी फॉरेस्ट। और अगर आपको अलासरम की वीडियो देखनी है तो वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो मंकी फॉरेस्ट उबुद में लोकेटेड है, और अभी हम लोग अपना स्कूटी पार्क करने के बाद अभी जा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं मंकी फॉरेस्ट में। और ये सामने जो आप देख रहे हो, यहाँ से एंट्रेंस है इसका, और ऐसा कुछ बना हुआ है एंट्रेंस, और सामने कुछ लोगों के मूर्ति वगैरह बना हुआ है। और ये है टिकट काउंटर, यहाँ पर आप जाकर डायरेक्टली भी टिकट खरीद सकते हो, और या फिर अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई है तो वहाँ पर बस आपको उसका रिसिप्ट दिखाना पड़ता है, और फिर आपको वो बैज दे देते हैं कि आप जा सकते हो अंदर। और आपको इसके अलावा यहाँ पे एक लगेज काउंटर भी है कि अगर आपके पास कुछ बड़ा लगेज है तो आप उसको यहाँ पे छोड़ सकते हो। और यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी मिलेगा, तो अगर आप दूर से आ रहे हो और अगर आपको भूख लगी है तो आप खा सकते हो, या फिर आप मंकी फॉरेस्ट कवर करने के बाद अगर आपको कुछ खाना है तो आप यहाँ पर खाना वगैरह भी खा सकते हो। बाली में मंकीज़ को बहुत सेक्रेट माना जाता है, और उसके लिए ये एक फॉरेस्ट रिजर्व तैयार किया गया है कि जहाँ पर कि अराउंड 1300 मंकीज़ को पाला जाता है। और यहाँ पे बहुत सारा टेंपल्स भी है, एक टेंपल प्रिजर्व भी है, और एक आप फॉरेस्ट प्रिजर्व के तौर पे भी इसे आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 186 टाइप्स के ट्रीज वगैरह भी आपको मिलेंगे। तो मंकी फॉरेस्ट का कुछ गाइडलाइंस है, जब आप अंदर जाते हो तो बाहर में ही आपको एंट्रेंस पे बहुत सारे गाइडलाइंस दिखेंगे। कुछ कुछ गाइडलाइंस, कॉमन गाइडलाइंस ये है कि आप खाना वगैरह लेकर अंदर नहीं जाओ, क्योंकि अगर मंकीज को वो पता चल जाएगा तो वो लोग उसको छीनने के लिए आपके पास आएंगे। और अगर आपके पास कुछ मंकीज वगैरह आते हैं तो आप उनसे डरो नहीं और भागो नहीं, पैनिक नहीं हो, चुपचाप वहां पर खड़े रहो, वो लोग आपके पास आएंगे और फिर चले जाएंगे। तो ये कुछ कुछ कॉमन गाइडलाइंस है। और उनके आंख में मत देखो, क्योंकि अगर आंख में उनके आप देखोगे तो उनको लगेगा कि आप उनको फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो, तो अगर आप फाइट के लिए चैलेंज करो तो आके आपसे वो फाइट करना शुरू कर देंगे, तो ये सब अवॉइड करो। बाकी फॉरेस्ट नॉर्मल है, और आप यहाँ पर जाके आराम से बहुत सारे मंकीज को देख सकते हो, पास से फोटोज वगैरह ले सकते हो। कुछ इस तरह से मंकीज आपको पूरे फॉरेस्ट में मिलेंगे, और आप उनके पास जाकर फोटोज वगैरह ले सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि आप उनके साथ कुछ मिसबिहेव ना कर रहे हो, और आप उनका खाना वगैरह नहीं चुरा रहे हो, तो बाकी सब कुछ सही है। अगर आप उनके साथ साथ बिहेव अच्छा करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, बस ये याद रखना है। और बाकी आपको हर स्टेजेस ऑफ लाइफ के मंकीज आपको दिख जाएंगे, कुछ बच्चे मंकीज, कुछ आपको बूढ़े मंकीज, सब टाइप के मंकीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बस आप ये याद रखना कि आप उनके आंख में नहीं देखो, क्योंकि अगर आप उनके आंख में देखोगे तो आप उनको लगेगा कि आप उनको युद्ध के लिए ललकार रहे हो, तो फिर अगर वैसा अगर उन्हें महसूस हो गया तो फिर आप पे वो अटैक करेंगे। We'll be right back.
तो यहाँ पे आपको एक मिनी मार्केट भी मिलेगा कि जहाँ पर से आप कुछ कुछ बाली स्पेसिफिक सामान वगैरह कपड़े या फिर कुछ सुवेनीर्स के सामान आप खरीद सकते हो। और आप सोच रहे होगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सामान है तो बंदर तो यहाँ भी आते होंगे, तो हाँ बिल्कुल आते हैं। और आगे आप देखोगे कैसे एक लड़की वो अपने तरीके से बंदर को भगा रही है, तो ये आप जैसा देख रहे हो इस तरीके से कुछ ये बंदर अगर आते हैं शॉप पे तो उन्हें भगाया ऐसे जाता है और फिर वो वापस जंगल में चले जाते हैं। पर आपको बहुत सारे फोटो स्पॉट्स भी मिलेंगे जहाँ पर कि आप बहुत कूल कूल पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 186 टाइप के ट्रीज हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और एबंडेंस ऑफ फ्रेश एयर मिलेगा। तो सिंस कि ये एक टेंपल प्रिजर्व भी है, तो यहाँ पर आपको दो तीन टेंपल्स भी मिलेंगे। और ये पहला टेंपल जैसा कि आप देख रहे हो ये भगवान गणेश का टेंपल है, और उसके सामने भी एक टेंपल है, और आप आगे भी देखोगे कि एक और टेंपल आएगा। तो यहाँ बहुत सारा टेंपल भी आपको देखने को मिलेगा। और बाली का ये खासियत है कि आप बाली के कोई भी लोकेशन पे जाओगे तो वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह आपको देखने को जरूर मिलेगा। Oh.
केयर टेकर यहाँ पर हमेशा आपको दिख जाएंगे कि खाना वगैरह खिलाते हुए मंकीज को, और मोस्टली बनानास ज्यादा फेवरेट फ्रूट होता है मंकीज का, तो आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हो एक केयर टेकर बनानास वगैरह फेंक रहा है मंकीज को और वो लोग कैच कर कर खा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर गाइडलाइंस में यह है कि आप कुछ बाहर से खाना उन्हें ना दो, क्योंकि उनको प्रॉपर केयर दिया जाता है और अंदर में ही खाना वगैरह इंतजाम उनके लिए किया जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आपको और इसी तरह के वीडियोज देखने को मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।